श्री राधा मोहनदास बाबा जी वृंदावन सन 1893 में मिथिलांचल में दरभंगा से 20 मील दूर दसोत नामक ग्राम में कुलीन ब्राह्मण वंश में अगहनुनाथ झा के घर श्री राधा मोहनदास बाबा का जन्म हुआ। नाम रखा था श्री रामलखन झा। बालपने से ही रामलखन ने अपनी तीव्र मेघा शक्ति, त्याग और वैराग्य की प्रबल प्रवृत्ति और एकांतवास की निरंतर वर्धमान लालसा से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कालांतर में इन्हीं गुणों के फलस्वरूप उन्होंने पांडित्य में पराकाष्ठा और भक्ति में परम गति लाभ करके वाचस्पति मिश्र, मंडन मिश्र और विद्यापति की जननी मिथिला में अपने जन्म की सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने विशुद्ध भक्ति मार्ग में पदार्पण करने के पूर्व योग मार्ग का सहारा लिया। दसोत के योगीराज श्री डढ़ाई झा के अनुगत्य में योगाभ्यास कर योग की ऊंची उपलब्धि हासिल करी, पर उन्हें वह शांति न मिली जिनकी उनको खोज थी। मिल भी कैसे सकती थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कर्मी, ज्ञानी और योगी सभी आसान थे, क्योंकि वे मुक्ति कामी हैं और यथार्थ में निष्काम नहीं है। केवल भक्त ही शांत है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से निष्काम हैं। यद्यपि भक्ति परम स्वतंत्र है और किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती, ज्ञान और योग की प्रारंभिक अवस्था में सहायक है, क्योंकि वे सांसारिक विषयों की कामना से मुक्त और चित्त शुद्धि के साधन हैं। योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप श्री रामलखन झा की चित्तवृद्धि शुद्ध हुई और उनके भक्ति के जन्मजात संस्कार जाग उठे। इन संस्कारों ने उन्हें भक्ति मार्ग में दीक्षा लेने के लिए वृंदावन की ओर प्रेरित किया। वृंदावन जाके वे गुरु की खोज में लग गए। एक दिन स्वप्न में एक महात्मा ने उन्हें गोपाल मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्राप्त करते ही उनमें अष्ट सात्विक भावों का प्रबल उन्मेष हुआ। दूसरे दिन से वे उन महात्मा की खोज में व्रज के मंदिरों, मठों, वनों और उपवनों में भटकते रहे। पर एक दिन जब वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, अकस्मात गोघाट पर उनके दर्शन हुए। दर्शन करते ही उनके चरणों से लिपट कर रोने लगे। महात्मा ने चिर परिचित की भांति उनको उठा के हृदय से लगाया। महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के टोपी कुछ वृंदावन के श्री माधवदास बाबा जी महाराज। सन 1919 के आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन उन्होंने रामलखन जी को निम्बार्क संप्रदाय की प्रथा के अनुसार शरणागत मंत्र के पश्चात फिर वही अष्ट दक्षासर गोपाल मंत्र कान में सुना के दीक्षा दी, जिसे उन्होंने पहले स्वप्न में प्रदान किया था। दीक्षा के प्रसाद उनका नाम रखा गया श्री राधा मोहनदास। कहते मंत्र राज के कान में प्रवेश करते ही राधा मोहनदास बाबा मूर्छित हो गए और तत्काल अभिष्ट की भी प्राप्ति हुई। यह संभव है, क्योंकि निर्मल और निरपराध चित्त में मंत्र के फलीभूत होने में एक क्षण की भी देर नहीं लगती। दीक्षा के पश्चात वे कुछ दिन वृंदावन में रहे। उनके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से मिथिला में रह के वहाँ के लोगों को राधा कृष्ण कथामृत पान कराने लगे। उनकी रसमयी वाणी से प्रभावित हो अनेक मिथिलावासी उनसे मंत्र लेकर के भक्ति पथ के अनुयायी बने। सन 1960 में उन्होंने प्रिया शरण बाबा के आदेश से वृंदावन में दावानल कुंड के निकट मिथिला कुंज नामक स्थान का निर्माण किया और 1964 से स्थायी रूप से उसमें रहने लगे। तब से वृंदावन के रसिक संत श्री विशाखा शरण जी और श्री कुंज बिहारी शरण जी आदि को उनके निरंतर संघ का सुयोग मिला। ये सभी महानुभाव नित्य प्रति रमण रेती स्थित निम्बार्क सदन में एकत्रित होकर श्री महावाणी, श्री युगल शतक और अन्य वाणी ग्रंथों का सामूहिक रूप से रसास्वादन करते। सन 1977 में रक्षाबंधन के दिन 85 वर्ष की अवस्था में अपने अनेकों भक्तों की कीर्तन ध्वनि के बीच श्री राधा मोहन दास नित्य लीला में प्रवेश किया। इसका संकेत उन्होंने अपने शिष्य मिथिला कुंज के वर्तमान महंत श्री राधेश्याम बाबा से 9 महीने पूर्व अक्षय तृतीया के दिन कर दिया था, जब उनके साथ बिहारी जी के दर्शन करते समय उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ था, जिसमें श्री रंग देवी जी ने मोहन महल में शीघ्र चले आने की आज्ञा दी थी। श्री राधा मोहन दास बाबा जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।